आप सबको ठीक ठाक ही रखे तो चलें जी, चलते हैं और ज़बरदस्ती सुबह का आगाज़ करते हैं। तो हम लोग ये तो थोड़े से पेरिस से ज़रा हट के एरिया है वहाँ जा रहे हैं। तो आपने देखा कितना ज़बरदस्त रास्ते में ये ग्रीनरी ये सब कुछ है। तो आज हम आए हैं यहाँ। यहाँ GPTI की वर्कर्स जो है उन्होंने अपना मेला वगैरह लगाया है, स्टॉल कह लें, फेस्टिवल कह लें, और प्रोटेस्ट के लिए वो मतलब सबको इंफॉर्मेशन देने के लिए भी उन्होंने असल में ये ऑर्गेनाइज़ किया है। तो चलें जी, चलते हैं अंदर। तो ये है जी जायका रेस्टोरेंट जो विलिये लापेल में है, और ज़बरदस्त सी इन्वायरमेंट। तो आप चेक करें कितने खूबसूरत इसकी है। तो यहाँ एक लड़की की स्टोरी है जिसने मुझे बहुत मुतासर किया आज, कैसे एक जो है मतलब अभी 3-4 साल हुए उसे इधर फ्रांस में, तो कैसे वो स्ट्रगल कर रही है अपना फ्यूचर बनाने के लिए, अपने स्टडीज़ के जो ख़र्चे वगैरह वो पूरा करने के लिए, और क्या कुछ यहाँ करना पड़ता है। तो ये वाकई इतना आसान नहीं है यूरोप में आकर यहाँ सर्वाइव करना और अपने ये स्टडी के सारा कुछ पूरा करना हो ये वो। तो चलें आपको भी सुनवाते हैं इसकी स्टोरी। तो सबसे पहले आप अच्छा सा काम कीजिए, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो बहुत थैंक यू आपका कि आपने मेरी लास्ट वीडियो जो इमरान खान के प्रोटेस्ट पर थी, PTI का प्रोटेस्ट पेरिस में, तो वो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पसंद की है और कमेंट्स किए हैं बड़े ज़बरदस्त, तो बहुत शुक्रिया आपका। तो ऐसे भी आगे भी ऐसे ही आप हौसला अफज़ाई किया करें और लाइक करें, शेयर करें। वैसे तो यहाँ बहुत से इवेंट होते रहते हैं, लेकिन ये जो इवेंट था ख़ास, ये ख़वातीन को जमा करना था और इमरान खान के प्रोटेस्ट के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दे। चलें आप बताएं आपने कब ये स्टार्ट किया ये बनाना? और तो ये शूज़ जो है ये भी आपने खुद सारा बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत आर्ट। तो इस तरफ भी चलते हैं और ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है अपने एशियन खानों की। सबसे पहले ये देखें जी गोलगप्पे, इसका स्टॉल तो लाजमी, जब भी ये पाकिस्तानी कम्युनिटी ख़ास तौर पे पाकिस्तानी जहाँ भी इकट्ठे होते हैं ना, ख़ास तौर पे औरतें, तो उन्होंने गोलगप्पे तो लाजमी ट्राई करने होते हैं। और मेरी बेटी भी यही कह रही थी कि मामा जल्दी से गोलगप्पे ले दें। और ये देखें बाकी स्टॉल भी और मज़े मज़े की चीज़ें लगी हुई हैं, समोसे गर्मा गर्म। ये होता है कि जब इस जायका रेस्टोरेंट में ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं ना, फिर आपको मज़े की टेस्टी हर चीज़ गरम गरम मिलेगी। पिछली दफ़ा इन्होंने एक किया था ऑर्गेनाइज़ उधर बाहर थोड़े से इससे भी आगे है ना वो जगह, वहाँ
लेकिन ये था वहाँ चूँकि ओपन एयर थी, मैदान था, तो हर चीज़ ठंडी हो गई थी, तो इतना टेस्ट और इतना मज़ा नहीं आया। सिर्फ एक बारबेक्यू था जो गर्मा गर्म था, जो उस वक्त वो कर रहे थे, लेकिन यहाँ या आपको हर चीज़ गर्मा गर्म मज़े की मिलेगी। तो दिल करता है कि ये भी ट्राई करें, वो भी ट्राई करें, तो ये ऑर्डर पे भी करते हैं। मतलब जायका रेस्टोरेंट की अपनी वेबसाइट भी है, तो ये लोग ऑर्डर पे भी अगर किसी ने कुछ बनवाना हो तो कर लेते हैं। तो चलें जी, ये स्टॉल आ गया है जी, नैना बाजी का स्टॉल, और ये पेरिस में बड़ी जो है फेमस इनकी ये शॉप है, जहाँ पर ये देखें ये आई हैं ये फ्रंट पे, तो ये फिर बाद में दिखा रही थी, मुझे बता रही थी सारे ड्रेसेस के, ये देखें ये वेलवेट में विंटर के ये स्पेशल सीज़न के लिए लेके आए हैं। और इसके अलावा आपको पहले पता है स्टाइल चलते थे ये आगे से ओपन शर्ट और बड़ी अच्छी ये लेस वगैरह लगी हुई, तो ये उस तरह के कह रही थी, ये भी मेरे पास पड़े हुए हैं, आगे ये किरण सी लगी हुई है, जिसको कई होती है ना पाकिस्तानी खवातीन, वो अभी तक उनका टेस्ट ज़रा होता है कि हम ओल्ड टेस्ट के जो कपड़े होते हैं ना, मतलब ओल्ड स्टाइल के, तो वो उनको अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर उनको भी अपने टेस्ट के मुताबिक मिल जाएंगे। तो ये देखें ये पिंक कलर का भी बड़ा शॉकिंग पिंक कलर का ज़बरदस्त सा ड्रेस लगा हुआ था, तो ये पीछे बीच में काफ्तान भी, और ये जो है ये काफ्तान शेप में लगा हुआ है, ये भी बड़ा अच्छा है। ये सिंपल अगर आपने लेने हैं घर के लिए, तो ये भी 2020 में बड़ी अच्छी इनकी जो कलेक्शन थी ना वो लगी हुई थी। तो चलें आप यहाँ से देखते हैं ज्वेलरी और दिखाएंगे तरफ फोड़ के कितने का ये कौन चाहिए तो कम कर दूंगी डिस्काउंट ऊपर का काम हुआ ना हाफ का ठीक है अच्छा इसकी क्या प्राइस है ये तो सस्ता है थोड़ा सा अच्छा आपने अगर जो लेना है मुझे बता दिए कम कर दो प्राइस बता दी ये है 40 का जी ये 50 का अच्छा कम कर दूँगी दोनों अगर आपको साइज भी परफेक्ट है एम में भी आएगा एल में भी आएगा दो टाइम अच्छा ये सारे ये ब्रांड के ठीक है ये जैसा बोल रहा मैं आप खरीद थी ना सारे ये परफेक्ट वहाँ पर अवेलेबल है ये सारे ये प्राइस है ये है सही है तो आपने अभी कौन सा यूज़ कर दिया अभी तो शैनल ही मैंने लगाया है ना शैनल को चैनल को चैनल कोको चैनल हाँ जी कोको वाला कोको मगमज जो ब्लैक है ब्लैक सकोप है तो ये 100 ml पॉट में 100 ml कोई तो कह रही हूँ यार ये ऑर्डर अभी लिए ना हमने इतने परफ्यूम लगाए अच्छा ये बिल्कुल ओरिजिनल प्राइस ये वाला कौन सा है 072 ये टेस्टर हैं छोटे ये आदमियों का ये औरतों का है
इनकी क्या प्राइस है? ये ब्लैक वाले की 70। अच्छा, दुपट्टा और सब पीस वगैरह सब कुछ सारे कंप्लीट हैं जी। ये शॉल है इसकी। अच्छा, ये जो है ये इसका ट्राउजर है। अच्छा, ये इसकी शॉल है। लास्ट प्राइस क्या होगी? 60 क्योंकि अगर ज़्यादा मार्जिन हो ये कितने का? ये आपको 3 यूरो का मिलेगा। ये सारा ये एक ही है ना? दो हैं, वो डोरी नहीं कही, डोरी काट की नहीं लगती जो आपको चाहिए वो है। अच्छा, तो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता मतलब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, जिस टाइम हम लोग आए हैं ना उस टाइम इतनी अभी रश नहीं थी क्योंकि वीकेंड है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग उठते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद जाके निकलते हैं। तो जिस टाइम हम लोग आए तो मतलब कैतोश थे, यानी 2 बज गए थे, लेकिन अब तकरीबन 4 हो रहे हैं, तो हमें भी पता ही नहीं चला कैसे इतना टाइम गुजर गया है। और अब आके थोड़ी सी ना ज़्यादा मतलब ख़वातीन आने शुरू हो गई हैं, तो ये चेक करें, इनके पास भी ये ज़बरदस्त ड्रेस है, वेलवेट के ऊपर बना हुआ है लहंगा, बड़े खूबसूरत ये काम वाले। ये देखें ये भी, और ये है साड़ी जी, तो इतनी प्यारी साड़ी बनी हुई है। ये भी एक उसकी वेलवेट पे, और ऊपर से ये जो चुनट वगैरह जिससे ना ये, तो ये रेशमी सा है। तो बड़े अच्छे ड्रेसेस हैं, तो देखते हैं कि हम लोग क्या बाय करते हैं और क्या पसंद आता है बच्चों को। घूमो फिरो ना पूरे स्टॉल पे और वीडियो बनाओ तो भूख लग जाती है। तो चले जी यहाँ से लेते हैं कचौड़ी। खुशबू है। तो यहाँ पर ये जी विंटर के हिसाब से खाड़ी के आगे हैं सूट, और बड़ी अच्छी कलेक्शन है उनकी और खद्दड़ के। तो अब ये चूँकि विंटर है ना मौसम, तो फिर हर चीज़ मिल जाती है ना, यहाँ से हो चाहे पाकिस्तान से। हम लोग गए थे छुट्टियों में जुलाई अगस्त में, तो ढूंढ ढूंढ के मुझे कहीं से विंटर के ड्रेसेस नहीं मिले, क्योंकि ज़ाहिर है वो गर्मी थी इतनी, तो उन्होंने निकाले हुए नहीं थे। तो बड़ा मसला हुआ ना, किसी किसी शॉप पर हमें सिर्फ कोई 1 या 2 कोई खद्दड़ के आर्टिकल मिले, और मैं टोटल 2-3 सिर्फ लेकर आई हूँ, यानी विंटर के लिए। समर के लिए तो बहुत ज़्यादा थे, और समर यहाँ इतनी होती नहीं है, मतलब सिर्फ 2 महीने होती है, तो कितने काम ने पहन लेने हैं। तो ये मसला होता है कि छुट्टियों में अगर आप जाएँ ना, ख़ास तौर पे जुलाई अगस्त में, तो इस मौसम में जाएँ तो हर अपने मज़े से अपनी मर्ज़ी के ज़बरदस्त से विंटर के ड्रेसेस ले सकते हैं, क्योंकि विंटर ही तो यहाँ ज़्यादा होती हैं 10 महीने। तो चलें जी यहाँ देखते हैं और सर्च करते हैं। अच्छा, 2 पीस है जी, 25-25 में। ये भी 2 पीस है, ये 3 पीस है, खदर का ये है। ये भी सब 2 पीस है। तो यहाँ पर जी फाइनली बेटियाँ देख रही थी कि कौन सा इनमें से ड्रेस लें, तो ये देखें इसने निकाल लिया ये वाला जो ड्रेस, इसको पसंद आया। लेकिन ये जब मैं इसको टच करके ये देख रही थी, तो ये काटन का, मैंने कहा काटन का क्या करना है, वो पहले ही हम लोग काफ़ी लेकर आए हुए हैं। तो इसके बाद फिर जी ये वाला ड्रेस, इसको वाइट में ये फ्रॉक सा बना हुआ, बड़ा प्यारा और पसंद आया। तो मैंने कहा चलें अगर ये बहुत पसंद आया तो ले लो। तो ये फिर हम लोगों ने किया था बाय, और कुछ परफ्यूम्स वगैरह लिए थे, और अच्छा ज़बरदस्त खाना शाना खाया, इंजॉय किया, तो बड़ा अच्छा रहा आज का दिन। तो ये देखें ये जाते जाते ये भी देखते जाएं इधर, मतलब कढ़ी पकोड़ा और ये देसी जो स्टॉल था, जैसे नान और ये जो नान के ऊपर वो बेसन का ना लगा हुआ होता, बेसन का नान जो वो बना हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयली था। तो बड़ा ज़बरदस्त आया, मज़ा आया है आज का दिन, इंजॉय किया। तो ये देखें हम लोग कब आए थे, और ये पड़ गई है जी शाम, क्योंकि वैसे भी सर्दियां हैं ना, विंटर तो बड़ी जल्दी अंधेरा हो जाता है। अभी टाइम सिर्फ
5:30-6 का टाइम है, लेकिन ये कि अंधेरा ऐसा हो गया जैसे रात चल रही है। तो चले जी चलते हैं घर, और मुझे उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।